से बचाए, टिप्स बताए रोज, सेफ बनाए हमको जैसे डिजिटल डोज, चेहरे के पीछे भले लगाए मास्क, आज टॉक्स की बात है ये रास को तोड़े तास, आज टॉक्स पर आए हो जाए या वे साइबर दुनिया में सब कुछ ना है फेर, थोड़ी से बचाए हर ग्राहक। सबसे अहम सवाल कि मैं इस बिजनेस को फ्रॉड क्यों कह रहा हूँ, स्कैम क्यों कह रहा हूँ, भाई समझना हो तो समझना। इसका जवाब मैं दो तरीके से देने वाला हूँ। पहला मैं बिजनेस लॉजिक देने वाला हूँ और दूसरा मैं आपको टेक्निकल नॉलेज देने वाला हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं इसको फ्रॉड क्यों कह रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी का दावा क्या है। कंपनी ये दावा करती है, खुद आप कंपनी के चेयरमैन, MD, ओनर, उनसे आप सुन लीजिए पहले कि वो क्या कहते हैं, कि आखिर ये कैप्चा कहाँ से आते हैं और कहाँ पर इनको बेचा जाता है और कहाँ से पैसे रिसीव किए जाते हैं, ये जरा आप इनके माध्यम से सुन लीजिए। मैम एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ये पैसे आते कहाँ से हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइज पे करता है, वेबसाइट देती, कौन दे रहा है ये पैसे और हमारे तक कैसे पहुंच रहे हैं? ये चीज अभी आपको सर ने भी यही चीज क्लियर कर दिया, जो वेबसाइट पे API लगी होती है सर, ये डेटाबेस कलेक्ट होता है और ये API आगे कंपनी में जाती है, उससे इनकम जनरेट होती है जो कस्टमर को मिलती है। कैप्चा आप देंगे, कंपनी देगी कैप्चा? सर इसमें क्या रहता है, कंपनी वेबसाइट पे API लगी होती है, उस API के थ्रू ही वेबसाइट पे कैप्चा आते हैं, वो कंपनी को फिल करने होते हैं, कस्टमर उसको फिल करता है, वेब सिक्योरिटी के लिए कैप्चा यूज किए जाते हैं। USA समझते हो, USA से आता है, वहीं पे हमारी कैप्चा की API लगी हुई होती है, वहीं से ही हमारे को कैप्चा सेल होते हैं और वहीं से पैसे आते हैं। आपने सुन लिया होगा, शायद आप कंफ्यूज भी होंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो स्टेट आपकी सामने से होगी, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और रियलिटी क्या है। वो ये कहना चाहते हैं कि USA की कोई कंपनी है जो इनसे कैप्चा खरीदती है, जो कैप्चा आप फिल कर रहे हैं, जो कैप्चा आप प्लेटफॉर्म पे फिल कर रहे हैं, उसको USA की कोई कंपनी खरीद लेती है, उनको पैसे देती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में ये पर डे आपको 60 कैप्चा दे रहे थे, जो कि बढ़ करके अब 90 कैप्चा हो गए हैं। ये क्यों हो गए हैं, इसका लॉजिक भी मैं अगले सवाल के जवाब में जरूर दूंगा। तो अभी यहां पर समझते हैं कि क्या कोई कैप्चा खरीदता है। सबसे पहले समझो कि कैप्चा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैप्चा कोई आज की चीज नहीं है, सालों से आ रही है। मेरी अपनी पहली, सबसे पहले एक सॉन्ग की वेबसाइट थी, उसमें भी कैप्चा था। मैंने वो वेबसाइट कुल मिलाकर के 55,000 रुपए में बनवाई थी, 55,000 रुपए बनवाई थी वो वेबसाइट। और वो मैंने कब बनवाई थी बताया आपको, 2007 में मैंने एक वेबसाइट बनाई थी 55,000 रुपए देकर के, उसमें भी कैप्चा था भाई साहब। और मुझे उस कैप्चा के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। इतने घटिया और इतने वाहियात एक्सप्लेनेशन देते हो ना भाई साहब आप लोग, लोगों को बरगलाने के लिए कुछ पूछो मत। इन्होंने ये तक कह दिया एक वीडियो में कि जो आधार सेंटर में आप जाते हो ना, जहां पर आप आधार का वो होता है, वहां पर भी कैप्चा होता है ना, उसके लिए भी सरकार लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करती है आधार को वेरीफाई करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो ऐसा है कि कैप्चा खरीदने बेचने का कोई भी धंधा कहीं नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये सब स्क्रिप्ट के जरिए जनरेट होते हैं और ये सिर्फ आपको ह्यूमन बताने के लिए एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया जाता है और उसको ही वहां पर आप जब फिल करते हो तो बता देता है कि हाँ, उसको लगता है कि आप ह्यूमन है तो आपको वो एक्सेस दे देता है। इसके अलावा इतने सालों से अगर कोई कैप्चा का काम चल रहा था तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसे 10 एग्जाम्पल लेकर के आओ जो कि वाकई में इस बिजनेस को कर रहे हो। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर दूध बिकता है तो सबको पता है कि दूध बिकता है, उसकी बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ लोकल लेवल पे हैं, कुछ नो नेशनल लेवल पे हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, हर तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉम्पिटिटर भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेस अकेले में ही हो रही है, कह रहे हम नंबर वन है जी, हमारे अलावा कोई और है ही नहीं जी। तो इन्होंने क्या किया है, इंडोर एक रेस ऑर्गेनाइज कर ली है जिसमें अकेले दौड़ रहे हैं और ऑडियंस में इनके वो लोग बैठे हुए हैं जो खुद पैसा देकर के वहां बैठे हुए हैं कि भाई साहब वाह वाह जीत गए जीत, नंबर वन। अबे रेस में कौन है तो बताओ, खुद ही अपने मुंह से एक एग्जांपल देते हैं टू कैप्चा का, भाई वो भी तुम्हारी तरह कोई फ्रॉड है, वो कितना देता है, कुछ बहुत कम, ये खुद बोलते हैं कि बहुत कम पैसे देता है और देता भी नहीं है, बता दो कोई कंपनी हो जो पैसा देती हो। भाई कोई कंपनी होगी कैसे जब ऐसा कोई काम ही नहीं है, ऐसा कोई काम होता
तो आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग होते। और बताओ मैं आपको, गूगल प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है Easy Earn 24 करके, जिसके ऊपर मैंने पहला वीडियो बनाया था, जिसको देख करके ही बहुत सारे लोग PCL कैप्चा के बारे में, PCL रोहतक के बारे में मुझसे पूछने के लिए आए थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली कंपनी ये है, वो कंपनी है वो भी बेवकूफ बना रही है। उसका सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है कि 500 रुपए दो, ज्वाइन करो, और उसके बाद फिर आपको 1000 कैप्चा या 1500 कैप्चा उनका रहता है कि भरोगे तो आपको 70 रुपए मिलेंगे। अब आप बताओ, दिन भर में 1500 कैप्चा भरने, 70 रुपए मिलेंगे, महीने क्या ही बना लोगे आप वहाँ पे। तो वो फोर्स करते हैं, वो चाहते हैं कि आप 500 रुपए दो, उसके बाद आप 1500 कैप्चा दिन भर भरोगे, 70 रुपए मिलेंगे, तो यार आप अपना इंटरेस्ट खुद ही लूज कर जाओगे, राइट। तो वो ये चाहती है और वो उस तरीके से पैसे कमा रही है। तो उसका मॉडल बिल्कुल अलग है कमाने का, इसीलिए वो 1 रुपए वाला दावा नहीं करती। इन लोगों ने क्या किया, 1 रुपए वाला दावा कर दिया, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन कुछ और थी। और इनकी कैलकुलेशन क्या थी, ये हम अगले सवाल में जानेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या कोई कैप्चा खरीदता है। देखो यार, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पढ़े लिखे हो, मुझे नहीं पता आपके अंदर कितनी टेक्निकल स्किल्स हैं। मैं 2016 से USA जा रहा हूँ, ठीक है। आप खुद जरा गूगल कीजिएगा ASE Affiliate Summit East और एक ASW Affiliate Summit West, ये दो होते हैं साल में। एक होता है लास वेगास में जो कि ASW है, और एक होता है न्यूयॉर्क में जो कि ASE है, ठीक है। ये दोनों होते हैं, और इन दोनों में इस दुनिया के जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, चाहे एडवर्टाइजर्स हों, पब्लिशर्स हों, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हों, है ना, टेक्निकल सपोर्ट देने वाले बंदे हों, अलग अलग बिजनेस के लोग हों, वो सारे वहाँ एक छत पे आके जमा होते हैं। नहीं मान रहे हो तो कुछ फोटोज लगा देता हूँ, हालांकि ये शोशा करने के लिए नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि वाकई में मैं इन इवेंट्स को तब से अटेंड कर रहा हूँ। और वहीं नहीं, दुनिया में अलग अलग जगहों पर इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इंडिया में भी तमाम सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर अलग अलग बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि हाँ ये बिजनेस। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई ऐसी कंपनी है जो कैप्चा भी खरीद रही है। इनफैक्ट मेरा एक क्लोज रिलेशन भी था एक कंपनी के साथ में, उसके कैप्चा तो IRCTC में चल रही थे, और उनका एक इनोवेशन था। इनोवेशन क्या था कि कैप्चा की जगह पर वो एक एड चलाते थे, ठीक है ना। तो जहां पे कैप्चा की जगह है ना, वहां पर वो एक ऐड चलाते थे, मान लो कोलगेट का ऐड चला दिया, तो उसमें से बोलते थे कि ये वर्ड ढूंढ के नीचे लिखो। तो बड़ा इनोवेटिव आइडिया था उनका, वो कंपनी तक डूब गई भाई साहब। सोचो, मतलब एक कंपनी जिसने कैप्चा में इनोवेशन करने की कोशिश की, वो कंपनी भी सरवाइव नहीं कर पाई। मेरा उससे भी क्लोज रिलेशन रहा है, मैंने वो भी तक देखा है, तो इसलिए मुझे पता है। अब आप मेरी बात नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, अब मैं आपको कोड की तरफ ले चलूंगा। चलो वहां तो मानोगे, अगर यहां नहीं मानोगे तो वहां मानोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको बताता हूं, इन्होंने चैलेंज किया कि यहां पर आना, हम आपको ये दिखा देंगे काम कहां से आता है, कहां से नहीं आता, 3 साल का हमारे पास लाइसेंस है, 2027 तक तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, सब फालतू की बातें हैं। आप वहां जाओगे, आपको कोई ऐसी चीज दिखा दी जाएगी जिससे कि ऑब्वियसली बात है आप अपना मुंह ही बंद कर लोगे, क्योंकि आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करने का कोई साधन नहीं होगा आपके सामने। क्योंकि ऐसा होता है, कई पत्रकारों ने पूछा, कई यूजर्स ने पूछा, उनका मुंह बंद कर दिया जाता है बोलकर कि हमारे यहाँ एक ऐसे API लगी है, आप भरते हो, API के थ्रू डेटा चला जाता है, फलाना दिमाग, कोई API नहीं लगी। जब मैंने बड़े बड़े बैंक्स के कोड रिव्यू कर लिए हैं, तो इनका करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपको एक चीज मैं समझाए दे रहा हूँ और दिखाने भी वाला हूँ, बहुत अच्छे से देखना। फिर 5 बज जाए, चूंकि अभी 5 बजा नहीं है, ये है अभी 4:14, तो कुछ समय बाद मैं आपको एक मैजिक भी दिखाऊंगा, तो बने रहना आप लोग, वो मैजिक आप भी देखना। और इनको भी, अब जॉनी भाई यार, कोई अच्छे लोगों को, कोई अच्छे टेस्टर्स वगैरह को हायर करो ना यार, जो कम से कम अच्छे रिव्यूज दे पाए आपको, कि बता पाए कि यार क्या क्या कमियां हैं तुम्हारी साइड में। चलो ठीक, कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो कोई खरीदार भी होगा ना, आप कैप्चा बेच रहे हो तो कोई खरीदार भी होगा, कोई तो ले रहा होगा आपसे कैप्चा, तो आप उनके नाम बता दो मार्केट में कि चलो 10 ऐसे लोग हैं जो कि कैप्चा खरीदते हैं। मतलब कोई वेबसाइट महीने का लाखों करोड़ों खर्चा कर देगी जस्ट कैप्चा वेरीफाई करने के लिए? भाई कोई नहीं करता, ठीक है। वेबसाइट चलाना इतना भी महंगा नहीं है कि उसमें आप कैप्चा की बात करने लग जाओ, सर्वर कॉस्ट से ज्यादा कैप्चा कॉस्ट भर देगा कोई। फिर मैंने सोचा हो सकता है 1-8% की गुंजाइश हो, तो मैंने कई साइबर एक्सपर्ट से भी बात करी, मैंने कहा भाई देखो ऐसा ऐसा है, उन्होंने कहा फ्रॉड है यार, तुम जानते हो फिर भी कह रहे हो। इसके अलावा साइबर फॉरेंसिक्स की भी एक टीम है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, बड़े बड़े लोग उसमें अधिकारी होते हैं, सब साइबर फॉरेंसिक वाले भी जुड़े हुए हैं। वहां भी मैंने सवाल डाल के पूछा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा ऐसा है, आप बताइए, वहां पर भी कोई फीडबैक आया। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं अपने आधार पर कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैंने पहले वेरीफाई की है। अब बढ़ते हैं कैप्चा की तरफ, कि जो कैप्चा ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा कैप्चा है और क्या हो रहा है वहां पर। तो इनकी वेबसाइट में कहीं कोई भी API काम नहीं कर रहा है, मतलब जो भी कुछ आप भर रहे हो वो सेव तक नहीं होता इनके डेटाबेस में। ये देखो आप इनका डेटाबेस स्ट्रक्चर देखो, इनके डेटाबेस स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सेव होता है कि इस यूजर के ID के अगेंस्ट में कितने कैप्चा सही भरे गए हैं और कितने गलत भरे गए हैं, सिर्फ इतना ही इनके डेटाबेस स्ट्रक्चर में सेव होता है। कैप्चा तक सेव नहीं होते, क्योंकि कैप्चा सेव होने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कैप्चा रेंडमली जनरेट किए जाते हैं। इनके डेटाबेस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ
वो काउंट वहां पर दिए गए हैं। और कैप्चा सेव होने भी नहीं चाहिए, सिर्फ काउंट ही सेव होना चाहिए, क्योंकि इस काउंट के आधार पर ही ये आपकी अर्निंग को अपडेट करते हैं, किस तारीख को किस आईडी ने कितने कैप्चा भरे हैं, इसके हिसाब से इनका जो अर्न वाला प्लेटफॉर्म, अर्न वाला जो कोड है वो काम करता है और वो कैप्चर करता है कि आपने कितने सही कैप्चा भरे हैं, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग को अपडेट कर दिया। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि दो फाइल्स कौन सी है जो कि इस पूरी वेबसाइट के जो कैप्चा का मैनेजमेंट करती है, ठीक है। पहली फाइल है कैप्चा डॉट पीएचपी, एक पीएचपी फाइल है, और दूसरी है कैप्चा अंडरस्कोर वर्क डॉट पीएचपी, ठीक है। तो इनको एक बार रिव्यू करते हैं, ठीक है, खोल के देखते हैं कि भाई इसमें क्या सीन चल रहा है। तो पहले हमने इसको खोला, तो ये है कैप्चा डॉट पीएचपी। अब इसका काम क्या है, इसका काम अगर मैं आपको समरी बताऊं इसकी, जस्ट कि ये करता क्या है, तो ये एक पीएचपी स्क्रिप्ट है जो कि कैप्चा की इमेज जनरेट करती है, उसकी विजुअल सेटिंग करना, क्या बैकग्राउंड रहेगा, क्या कलर रहेगा। और अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ के बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, है ना, लाइट ग्रे होना चाहिए, जैसा कि आप देखते हो इनकी वेबसाइट पे कैप्चा सेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर। तो ब्लैक कलर का टेक्स्ट है एंड लाइट पेस्टल कलर है, फिर उसके बाद ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और उसके बाद आता है इमेज जनरेशन का काम, यहाँ पर लिखा है जनरेट रैंडम डॉट्स इन बैकग्राउंड ऑफ कैप्चा इमेज, तो मतलब रैंडम डॉट्स भी बनाने हैं पीछे, और किस तरह से वो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें बनानी है ये आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड कैप्चा टेक्स्ट इन इट, ठीक है ना, अब टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ये सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं। और क्या फॉन्ट होना चाहिए, कैसे इमेज बनेगा, वो सारी चीज़ें, टेक्स्ट कलर क्या होगा, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा, क्या टेक्स्ट वगैरह, और शो कैप्चा इमेज इन HTML फाइल। तो ये यहाँ पर जो कोड लिखा गया है ये इमेज शो करने के लिए है, JPG फॉर्मेट में बनेगा। और उसके बाद आप देख सकते हो डिस्ट्रॉइंग द इमेज इंस्टेंस भी इसमें है, और हेक्स टू RGB में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे जो है इसके इस पेज के काम है। अब बात करते हैं दूसरी फाइल के बारे में जो है कैप्चा वर्क डॉट PHP। तो कैप्चा वर्क डॉट PHP क्या करती है भाई, तो पहली जो हमने देखी थी कैप्चा डॉट PHP, उसने क्या किया था, इमेज बनाया था, ठीक है ना, लेकिन उसको बनाने के लिए उसको कैसे चलाना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें आप देखोगे। यहाँ सेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आप और नीचे आते हो, यहाँ पे भी वही इंक्रिप्शन डेटा सब कुछ सारी चीजें दी हुई हैं। और उसके बाद इसका जो, अच्छा यहाँ पे देखो एक वैलिडेटर लगा हुआ है कि अगर 49 से नीचे यूजर है तो आपको क्या मिलेगा, ₹1 मिलेगा, ये अर्निंग अपडेट करने के लिए है। अगर 99 से नीचे है तो आपका कैप्चा ₹2 का होगा, 149 से नीचे है तो जैसे आपका 150 होगा वैसे आपका बढ़ जाएगा, राइट। ये आपका जो आपने देखा है वैलिडेटर होता है, कितना कितना मिल रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पर वैलिडेट होती है, वो सेशन के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से ऑटोमेटिकली पुल कर लेता है कि उसके कितने रेफरल्स हैं और उसके हिसाब से उसको यहाँ पर अपडेट कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिंग वगैरह यूज़र की, है ना, ये सारी चीज़ें, यूज़र आईडी क्या है, कितने रॉन्ग कैप्चा भरे हैं और कितने अवेलेबल हैं, 93 आप देखोगे अवेलेबल है, और डेट टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज होती है। तो जितना भी ये वैलिडेशन वाला काम होता है ना, अपडेट द अर्निंग टेबल टू इंक्रीमेंट द अमाउंट एंड एंटर्ड कैप्चा काउंट, है ना, ये सारी चीज़ें यही पेज मैनेज करता है। तो पहला था जिसने की कैप्चा डॉट PHP था, जिसने की इमेज बनाई जो कि आप इमेज देखते हो, और ये वैलिडेट करने का काम करता है भाई। इसमें बहुत सारे और भी वैलिडेशन लगे हुए हैं, बाद में आता है ना मैसेज, टुडेज कैप्चा वर्क कंप्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन रिस्टार्ट योर वर्क टुमारो, फिर नीचे लिख करके आता है अर्निंग अपडेटेड, सारी चीज़ें देखो, ये अलर्ट आता है टुडेज कैप्चा वर्क, सारी चीज़ें, रेफरल कोड इज नॉट सेट इन सेशन, तो ये सब चीज़ें हैं। 12 से 5 के बीच में अवेलेबल नहीं होगा, इसका भी यहाँ पर उन्होंने कोड डाला हुआ है, फिर ड्यू टू संडे, ये सारे वैलिडेशन जो है इस कोड में लगी हुई हैं। अब इस चैलेंज है, ये चैलेंज मैं दे रहा हूँ आपको जॉनी भाई, आप इन दोनों कोड के अंदर, क्योंकि जो भी कैप्चा का काम हो रहा है इन दोनों कोड के अंदर ही हो रहा है, और जो भी अगर कोई टेक्निकली जानकार है आप लोगों में से, ठीक है, तो वो आप मुझसे इसका कोड ले सकते हैं। और जॉनी भाई के लिए एक चैलेंज है, आप प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और चैलेंज ये है कि इसमें मुझको जरा वो API की बताओ कहाँ लगी है, और वो API कहाँ URL लगी है, कि जो डेटा यहाँ से जो आप पुश कर रहे हो उसको आप API के थ्रू किसी क्लाइंट के पास पहुँचा रहे हो। जवाब नहीं दे पाओगे जॉनी भाई, इसका मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। तो यहीं से आपके हर जवाब का जो झूठ है ना, सारे आपके जो भी है वो सारे निकल करके आते हैं, कि किस तरीके से जितनी बार भी मीटिंग में पूछा गया कि ये वर्क जेन्युइन क्यों है, क्या होता है, कहाँ से पैसे आते हैं, तो इसमें कोई भी API नहीं लगी है। मेरा चैलेंज है, अगर स्वीकार करते हो तो इन कोड्स में बताओ कहाँ API लगी है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई कैसी API होती है।
चलो यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक चीज और करके देख लेते हैं। आपको पता है कि मैं जो चाहे वो कोड इसमें जनरेट कर सकता हूं, मतलब जो चाहे वो कैप्चा में इसमें जनरेट कर सकता हूं। इतनी तो ये फुद्दू सी इनका इंक्रिप्शन की है ना, हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद में वो चेंज कर देंगे, बट फिर भी अभी आप मैजिक देखना चाहते हो तो ये मैजिक जरूर देख लो यार, ठीक है ना। तो अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं इसको, एक सेकेंड हाँ। तो अभी मैजिक चल रहा है, मैजिक देखो अभी देखो मैजिक चल रहा है, मैजिक इज गोइंग ऑन। क्या लिखा है पढ़ो PCL इज, एक सेकेंड हाँ, अ स्कैम। ये चीज आराम से जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा आप अगर अपना नाम भी चाहें, मेरा नाम चाहें, एजे टॉक्स चाहें, तो वो भी यहाँ पर आराम से जनरेट कराया जा सकता है। मुझे पता है आफ्टर दिस वीडियो आपकी टीम, जैसे पिछला मेरा आपने वो मैजिक वाली चीज़ को तुरंत करेक्ट कर लिया था, तो आई होप इसको भी आप करेक्ट कर लोगे। लेकिन खुला छोड़ा ही क्यों इसको भाई इतनी वल्नरेबिलिटी तो मैंने कभी नहीं देखी आज तक किसी भी वेबसाइट में, कोड में, जो कि यहाँ देखने को मिल रही है। इससे ये साबित होता है कि इस पूरे काम का बेस ही गलत है। मतलब जब कोई काम ही इस तरह का नहीं है तो बिजनेस कैसा, किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं, क्यों आपको जो है इसमें दिन भर लगाया जाता है गधे की तरह, आप मजदूरी कर रहे हो लिख करके। और आपको याद होगा बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने कहा कि आज साइट बंद है, उन्होंने कहा कि आपके कैप्चा हम भर देंगे, ठीक है। तो अगर कंपनी खुद कैप्चा भरने में सक्षम है तो फिर आप लोगों को गधा मजदूरी क्यों करा रही है, क्योंकि उनको एक बिजनेस मॉडल खड़ा करना है दिखाने के लिए। शुरुआत में पैसे देकर के आपको ट्रस्ट में ले लिया और अब आपको वो बरगलाए चले जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में बहुत सारी वो नई नई स्कीम्स लाते रहेंगे इसको यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के लिए। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो कि मेरा टेक्निकल नॉलेज है, उसके हिसाब से ऐसे भी कई सारे टूल्स आते हैं जो कि कैप्चा को बाईपास कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक टूल बनवाना है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से, ऐसे हजारों लाखों लोगों को जोड़ करके उनसे पैसे लेकर के उनसे भरवाने की जरूरत नहीं होती है। अगर वाकई में कोई कंपनी जो खरीद रही, भाई जो खरीद रही है वो बेसिकली कैप्चा बाईपास करने के लिए खरीद रही है, समझ रहे हो। कोई भी कंपनी, यूएस की कंपनी है जिसका ये नाम लेते हैं, हालांकि कुछ है नहीं ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कोई कंपनी है वो कैप्चा बाईपास करा रही है, राइट, वो चाहती है कि कोई ह्यूमन वहां पर वेरिफिकेशन ना हो, आप लोग बैकएंड से कर दो यहां पर, मान लो ऐसा होता है, तो भाई उसके लिए वो इतना पैसा खर्चा काहे करेगी कि एक एक आदमी को 5 रुपए 10 रुपए कैप्चा के दे रही है, 2 रुपए कैप्चा के दे रही है। वो एक सॉफ्टवेयर वन टाइम बना लेगी और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद भाई साहब आराम से वो बिना किसी को पैसा दिए हुए वो कैप्चा बाईपास कर लेगी। तो ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ऐसा ही एक कमेंट मेरे एक भाई ने भी किया था, वो कमेंट आप जरूर पढ़िएगा इसमें। तो जॉनी सर, वैसे तो आपने मेरा नाम उस जूम मीटिंग में नहीं लिया था, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, मैं समझ चुका था कि मेरे बारे में बात की जा रही है, तो रिप्लाई बनता था। और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और मेरे पूछे हुए सारे सवालों के सही सही जवाब विद प्रूफ जनता के सामने रखेंगे। और वो सब हरकतें मत करना यार, देखो एक छोटी सी क्लिप मेरी वो दूसरे भाई ने जो है रात में बात हुई थी उसने उसमें चला दी, इसलिए मैंने उसको इस हिस्से में नहीं रखा था, जिसमें कि इनकी एक स्क्रिप्ट है जो कि इतनी घटिया स्क्रिप्ट है जिसमें कि आपको कैप्चा फिल करने की जरूरत ही नहीं थी। और पिछले लगभग एक महीने से जब से मैं इस पर काम कर रहा हूं तब से मैंने लोगों को बोला था, और जो लोग भी मुझसे बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो पॉजिटिवली मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो और उनके सारे मित्र, तकरीबन 50 से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि उस फर्जी स्क्रिप्ट से रिफ्रेश करके बिना कैप्चा भरे हुए कुछ मिनटों में ही कैप्चा फिल कर रहे थे। और अब इन्होंने मार्केट में क्या फैला दिया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें ये अपने भक्तों को समझा देते हैं और वो भक्त लोग चले आते हैं गाली गलौज करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या बड़े बड़े कोडर को उठा करके लेकर के आओ, जिस हिसाब से वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी किसी का बाप नहीं पता कर सकता कि किसकी आईडी में उस तरह के कैप्चा भरे गए थे, ठीक है ना। तो वो मैजिक कैप्चा वाली कहानी मुझे मालूम था कि जैसे ही वो सामने बात आएगी वो तुरंत करेक्ट कर लिया जाएगा, कोई बड़ी चीज तो थी नहीं उसमें। लेकिन फिर भी जॉनी भाई ध्यान रखो यार, मतलब अब आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, कल को और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने जा रहे हो, तो यार इट्स नॉट गुड ना कि इस तरह की गलतियां आप करो जिससे कि लोग उसका फायदा उठाएं। हालांकि उससे ये साबित जरूर हुआ कि कोई भी कैप्चा आपका आगे नहीं जा रहा है भाई, 50 लोग डेली के 100-100 कैप्चा भर रहे हैं, यानी कि तकरीबन 5,000 कैप्चा रोज गलत जा रहे हैं,
और वो कंपनी आपको फोकट के पैसे दे रही है। अरे कंपनी है ही नहीं, इससे ये साबित हो गया। लेकिन अब तुम्हारे लोग क्या कहेंगे ना, तुम्हारे लोग इसको इसको एक अलग एंगल में, क्योंकि तुम ही जो है वो अपने लोगों को सिखा देते हो कि ऐसे लोगों की ही तो आईडी ब्लॉक हो रही है, ऐसे लोगों की तो ये सब चीजें जो होती है ना यार। देखो रियलिटी में आओ प्लीज, जवाब जो देना कोई इस तरह के बरगलाने वाले जवाब मत देना। उन लोगों को बरगला सकते हो जो कमेंट्स में आके गालियां लिखेंगे, हमको नहीं बरगला सकते, ऐसे ही नहीं साइबर एक्सपर्ट कहा जाता है। तो आपके दिमाग में और बाकी लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई इतना ये एडमिन पेमेंट ये सारी चीजें कहां से आ गई, कहां से निकाल के दे दिया है। तो जॉनी सर आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि इस जो भी आप जवाब देने वाले हैं, जो भी क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं विद प्रूफ्स, उसके साथ में अपने आसपास गद्दार को भी तलाशिए कि आखिर वो कौन है जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में आउट हुई है। हाँ हाँ मुझे पता है, अब फिर वही रटी रटाई लाइन बोलोगे कि मुझे किसी ने पैसे दिए हैं, हजार दुश्मन हैं, फलाना है ढिमाका है। देखो भाई मैं आपको पहले नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता हूँ, पर्सनली कोई बातचीत नहीं करी है मैंने आपके बारे में। जो भी बात हुई है चूंकि आपकी तरफ से बात हुई है, आपके बहुत सारे यूट्यूबर बड़ बोले यूट्यूबर हैं वो भी कुछ बातें मेरे बारे में कह रहे हैं बिना नाम लिए हुए या नाम लेकर के, तो उनको भी बता देना चाहता हूँ भाई साहब कि ऐसा है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं एक बार जाके कंपनी से वेरीफाई कर लीजिए, आप एक बार उनका खुद का एडमिन डैशबोर्ड जाके देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है। अब मुझे पता है डैमेज कंट्रोल में लग जाओगे और ये भी जवाब दोगे कि इसीलिए तो वेबसाइट हटा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए तो हम ऐप स्टोर में आ रहे हैं। और ऐप स्टोर में आने का एक कारण और बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि अब आगे जाके इस तरह का प्रचार होगा कि जो कंपनी या जो एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर आ जाती है वो जेन्युइन होती है, ऐसी गारंटी बताई जाती है। तो भैया हाईवॉक्स नाम की जो ऐप थी वो भी ऐप स्टोर में थी, तो क्या वो जेन्युइन थी? 500 करोड़ का फ्रॉड निकला था कि नहीं निकला था? तो ये सब चीजें ना, ये ट्रिक्स मैं सालों से देख रहा हूँ और जो भैया आप करने की कोशिश कर रहे हैं ये सालों से देख रहा हूँ। फिर अभी ये बताया गया कि कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, सब लोग खुशी से झूमने लगे, वाह 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 वाह, इसमें कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। उसको ध्यान से नहीं सुना आपने, उस प्रोजेक्ट को वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट में थे, यानी कि ये पैसा धीरे से आपका वहां लग जाएगा और आपको जबरदस्ती लगाना भी पड़ेगा, ये समझ लो। क्योंकि अभी जब पैसा निकाल नहीं पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग खाली ऐसे पैसा दबा करके रोज इनकी गालियां सुनोगे और कुछ नहीं कर सकते। जो ये जनता है ना, इसी लायक जनता है क्योंकि इनकी आंखें अभी भी नहीं खुलेंगी। मुझे पता है अभी भी 100-150 लोग बिना वीडियो देखे नीचे आकर के बक 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 करके चले जाएंगे। हालांकि जैसा कि मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जॉनी जी जरा गद्दार भी ढूंढ लीजिएगा, और हाँ अगर आपको लगता है कि मैं बिक गया हूँ, मैंने पैसे लेकर के इनके साथ कुछ किया है, तो बिल्कुल कानूनन हम लोग इसमें चलेंगे ट्रांसपेरेंटली। मेरा भी बैंक अकाउंट देख लिया जाए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी देख लिए जाएं, सब कुछ, मतलब फिर वो ट्रांसपेरेंटली होगा वहां पर ना। ऐसे नहीं कि बातचीत में कुछ होगा कि सामने खड़े हो गए लाइव ऐसा कैमरा, उससे नहीं होगा, सारी चीजें देखी जाएंगी। सब चीज़ आप मेरी पड़ताल कर लीजिएगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा पैसा आया, ऐसी कोई कॉल आई, या इंटरनेट के जरिए मैं ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ जो कि आपका दुश्मन हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। शुरुआत आपने ही की है और ये विडंबना है देखो कि मीटिंग का इन्विटेशन दिया है किसी ने, ठीक है, बिना नाम लिए इन्विटेशन दिया है, और उसके बाद ये भी नहीं बताया कि मीटिंग है कहाँ पर, कौन आने वाला है, कहाँ जाएं भाई, किससे बात करें। कि वो मीटिंग अगर अटेंड भी करनी होती, वैसे तो मैं करूँगा नहीं, करनी भी होती तो अभी तक कुछ हता पता तो है नहीं कि मीटिंग कहाँ पर है। तो सर उसके बारे में भी प्लीज़ लोगों को अपडेट कर दीजिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इनफैक्ट जाना भी चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि मीटिंग कहाँ है।